हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुप्रज्ञा अकाउंट क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको हर स्ट्रीम में ये देखने को मिलेगा, अगर आप प्लस वन में है या फिर बीकॉम में है सभी मिलेगा, डेप्रिसिएशन। इसमें बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या, इसके मीनिंग की और इसके मेथड क्या है, इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और इसके कारण क्या है, भाई हमारा जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस वजह से लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर कुछ देरी किए कि इसका मीनिंग क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है। जो भी हमारी फिक्स एसेट होती हैं, एसेट दो कैटेगरी होती हैं, फिक्स और करंट। जो हमारी फिक्स एसेट होती हैं उसमें जो कमी आती है, यानी कि कुछ भी कमी आ रही है, वो किस कारण से आ रही, किसी भी कारण से अगर जो कमी आ रही है या फिर वो कम हो रही है किसी भी कारण से, तो उसको क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने मान लीजिए एक बाइक खरीदी है आज के दिन 50,000 रुपए की, और आप 2 साल के बाद में उसको मार्केट में जब सेल करने जाते हो तो वो आपकी बिकती है 30,000 रुपए की। अब इसमें 50 से जो 30 हो गई, तो इनकी 20,000 रुपए जो हैं ये क्या हो गए, कम हो गए। ये हमारी बाइक क्या थी, फिक्स एसेट थी, और ये हमारे कम हो गए 20,000 रुपए। तो जिस प्रकार जो 20,000 रुपए कम हुए इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका मेथड के बाद में बात करेंगे, पहले कर लेते हैं कि भाई इसके कारण क्या है, कि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किस वजह से लगता है। जो पहला जो हमारा है, बाय कंस्टेंट यूज। अगर आप कोई भी फिक्स एसेट है आपको उस ज्यादा ज्यादा टाइम से यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप लगातार अगर यूज करोगे 2 या 3 साल तक, अगर मान बाइक का ही जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर बाइक को आप रोज चलाओगे, डेली चला रहे हो और 2 साल तक चला रहे हो, तो फिर क्या है, उसकी मूल्य में कमी आएगी, जिसके क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, इसका एक कारण है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, बाई एक्सपायरी ऑन टाइम। क्या होता है, जो हमारे टाइम जो एक्सपायर हो जाता है किसी चीज का, हम लगातार जब यूज कर रहे हैं किसी, जैसे बाइक को ही अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका टाइम जब निकल जाता है उसको हम, इस वजह से क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा जो हमारा कारण है वो है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स यानी कि हमने जो गवर्नमेंट से जो राइट्स लिए थे उसके जो एक्सपायर हो चुके हैं। मान लीजिए आपने कोई खदान ली है लीज पर ले ली, तो उससे क्या होगा, आपके कुछ राइट्स होते हैं 5 साल 10 साल का, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म हो जाता है। इस वजह से जो डेप्रिसिएशन लगता है, जो कमी आती है उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन का एक कारण बन जाता है। नेक्स्ट जो बात है, बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। आपने बाइक परचेज की थी, उसका कुछ टाइम के बाद में वो अपने आप ही कम हो जाती है। अगर आपने उस बाइक को खड़ा भी कर रखा है 3 साल के लिए, तो भी उसकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस घट जाती है। जैसे कि 50,000 2 साल के लिए आप चला रहे हो तो कोई दुआ नहीं, अगर आप नहीं भी चला रहे तो उसकी मार्केट प्राइस जो है रिड्यूस हो जाती है। ये क्या कारण बनता है, डेप्रिसिएशन का एक कारण बनता है। अगली जो नेक्स्ट बात है, बाई एक्सीडेंट। बाइक का है ट्रांसपोर्ट, जितने भी हमारी फिक्स एसेट होती हैं उसमें जो दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आज जो आपने बाइक ली है वो 2 महीने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसकी जो प्राइस है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जो कि कारण बनता है हमारे डेप्रिसिएशन का। जो टूट फूट के जो खर्चे होते हैं या फिर जो भी हमारी फिक्स एसेट में जो कमी आ रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो कि कारण बन जाता है दुर्घटना से जो हो जाता है, बाई एक्सीडेंट हादसे के जो कारण है। नेक्स्ट बात, अब जो दुर्घटना होती है वो ये नहीं कि एक्सीडेंट ही है। मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है और उसमें आपको फायर लग गई, आग लग गई, तो उसकी वजह से जो आपके गिरावट आ रही है, मान लीजिए 10 लाख की जो आपकी कंपनी थी, आज जो अगर आग लगने के बाद मगर आप उसको बेच रहे हो तो वो बिक रही है 9 लाख की, यानी कि 1 लाख का जो कमी हुई है वो उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो कि कारण बनता है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट बात क्या है कि इसके मेथड क्या है, हम कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं इसके थ्योरी की बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, भाई क्यों लगता है और इसके क्या कारण है और इसके मेथड क्या है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पार्ट 2, उसमें हम क्या देखेंगे कि इसको एक प्रैक्टिकल रूप से हम किस प्रकार से कर सकते। देखिए, जो हमारा मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, आप किसी भी स्ट्रेंथ में जाओगे 2 ही मेथड मिलेंगे आपको। नंबर 1 तो मिलता है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, एक ही लाइन से जो आपके डेप्रिसिएशन लग रहा है, मान लीजिए आप एग्जांपल्स देखिए, आपका जो कोई भी प्रोडक्ट है, फिक्स एसेट है, उसका जो प्राइस है वो 1,00,000 रुपए है। आपको बोल रहे हैं कि आप 10% के दर से आप डेप्रिसिएशन लगाइए और 5 साल तक लगाइए। इसमें क्या होता है कि आप जब 10% लगाओगे तो इनकी 10% क्या होता है, 10,000। अब यहां पर जो हमारी प्राइस बच गई वो कितनी बच गई, 90,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पर लगेगा, वो 1,00,000 पर ही लगेगा, 10% की 10,000। यानी कि जितने भी साल तक ये बोलेगा उस ईयर में कितना लगाएंगे हम, 10,000 का जो डेप्रिसिएशन लगाते। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। जो सेकंड जो मेथड है वो एक डिफरेंस प्रकार से, जैसे रिटर्न डाउन मेथड, यानी कि रिटर्न डाउन जो वैल्यू होती है उस पर हम करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए वही 1,00,000 का एग्जांपल है,
10% से आपको बोल रखा है 10% लगाएंगे 10,000। अगली जो नेक्स्ट ईयर आएगी हमारे 90,000 का जो हमारा मार्केट प्राइस है, अब हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 1 लाख पर नहीं, 10% लगाएंगे 90,000 पर। जब 90,000 पर 10% लगाएंगे इनके हमारे ये हो गया 9,000 पर, जो हमारी जो अब वो वैल्यू बच गई मार्केट प्राइस वो बच गई 81,000। ये होते हैं दो मेथड, रिटर्न डाउन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।